कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भक्त लोग, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि लड़की के फोटो से आप उसको कैसे अपने प्यार में बेचैन कर सकते हैं, कैसे उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं। लड़की का पीछा करने की जरूरत ही नहीं है। जब लड़की का फोटो आपके पास में है तो उसका पीछा करने की जरूरत ही नहीं है, बस सिर्फ एक बार यह टोटका कर दीजिए, उसके दिलो दिमाग में आपके लिए प्यार भर जाएगा। सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार है, वो खुद चलकर आपके पास में आएगी, खुद आपसे बात करेगी, फोन करेगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। मेरे प्यार प्यार भक्त लोग, ये साधना वशीकरण है और ये जो कोई भी किया है 100% सफलता इसमें पाया है और बहुत पुरानों से इसका प्रयोग आया। और मैं आज आप सभी को बता रहा हूँ कि एकदम बिना पीछा किए आप कैसे उसको अपने वश में कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि स्त्री का फोटो यदि आपके पास में है, मोबाइल में है या निकाला हुआ फोटो है, तो आप उससे कैसे उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार में बेचैन कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, हमेशा पॉजिटिव बात आपको दिमाग में रखना है कि वो लड़की मेरे वश में होगी तो होगी। मैं आपको दावा करता हूं कि वो लड़की आपके वश में जरूर होगी। मैं जो टोटका बतला दूंगा वैसे अगर कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा की वो स्त्री आपके प्यार में टपने लगेगी, बेचैन हो जाएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। मेरे प्यार प्यार भक्त लोग, जिस किसी को प्यार में धोखा मिला है वह इस टोटका को जरूर कीजिएगा, या आप किसी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं, शादीशुदा महिला को वश में करना चाहते हैं या किसी भी पुरुष को वश में करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार इस टोटका को कर लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि वो आपके वश में जरूर होगी। बस सच्चे दिल से सच्चे मन से इसका प्रयोग कीजिएगा और गलत काम के लिए कभी भी इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो आइए हम बतलाते हैं कैसे आप लड़की के फोटो से आप उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार में बेचैन कर सकते हैं। मेरे प्यार प्यार भक्त लोग, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का भला हो जाए। तो आइए बतलाते हैं, सबसे पहले आपको लड़की का फोटो लेना है, चाहे वो मोबाइल में हो या निकाला हुआ हो। कैसे क्या करना है ध्यान से देखिएगा। रविवार के दिन सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय आपको सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेना है और स्नान करने वाले जल में लास्ट में थोड़ी सी मात्रा में कामाख्या सिंदूर डाल देना है। उसके बाद में उसको फिर से अपने सर पे डाल देना है और क्या करना है, उसके बाद में शांत जगह अपने घर में पूजा स्थान पे बैठ जाए या कहीं एकांत जगह दूसरी जगह रूम में बैठ जाए जहाँ डिस्टर्ब करने वाला आपको कोई ना हो। और लड़की का जो फोटो है वो कागज पे हो या मोबाइल में हो, आपको क्या करना है अपने सामने इस प्रकार से रख लेना है और लड़की का चेहरा जो हो, फोटो हो, एकदम स्पष्ट रूप से उसका आंखें दिखना चाहिए। उसकी आंखों में आंखें डालकर क्या करना है, एक टक लगा कर आपको दिखना है। उसके फोटो वाले जो आंखें हैं उसमें आपको आंखें से एकदम एक टक लगाकर देखना है, एक टक लगाकर इस तरह से जैसे देखना है। और देखते देखते आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अनुभव करना है कि वो लड़की आपको देख रही है, आप उसको देख रहे हैं। उसके बाद में आपको बोलना है सह सहमनाय फट स्वाहा, सह सहमनाय फट स्वाहा, सह सहमनाय फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। उसके बाद में इस लड़की का नाम लेना है और बोलना है कि तुम मेरे वश में हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी हमसे बहुत प्यार करती हो, तुम मेरे पास आ रही हो, तुम मेरे पास फोन कर रही हो तो कर रही हो। उसके बाद में क्या बोलना है, करीबन से करीबन आपको 15 से 20 मिनट तक आपको करना है और ध्यान देना है जब आप देख रहे हैं इसकी आंखों में एक टक लगा कर देखना है, अपनी नहीं मलकाना है, आंखें नहीं मलकाना है। और इस प्रकार से आपको सुबह, दोपहर और शाम तीन समय करना है और अगले रविवार तक करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि इसी दिन के भीतर में, इसी 7 दिन के भीतर में वो लड़की आपके प्यार में टपने लगेगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी, वो खुद आपसे बात करना चाहेगी। बस इतना टोटका करते रहिए, उसके सामने सिर्फ एक बार किसी ना किसी बहाने से जाते रहिए, वो खुद आपसे बात करेगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। मैंने बहुत सारे को यह बतलाया था, बहुत सारे लोगों को मैंने बतलाया था, मेरे पास जो आते हैं चल करके उन सबका काम हो गया है मेरे भक्त लोग। यदि आपको समझने में जहाँ भी दिक्कत हुआ नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूँ कि नीचे जो फेक नंबर डालते हैं लोग उन पर कभी भी कॉल ना करें, ठीक है ना, फेक नंबर पर कभी भी कॉल ना करें। धन्यवाद मेरे भक्तों।